हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लाए हैं रंग से जुड़ी कुछ जानकारी जो आपके पेपर में आने वाले प्रश्नों से जुड़ी हुई हैं। आइए तो देखते हैं। इस चक्र को ओस्टवाल्ड चक्र कहा जाता है। इसमें आपके रंगों की संख्या जो टोटल है वो 8 है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं तो आपका आंसर 8 होगा। इसमें 4 प्रमुख रंग होते हैं जिन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं और आपके 4 होते हैं द्वितीयक रंग। तो 4 प्राथमिक रंग और हो गए 4 द्वितीयक रंग। टोटल रंग कितने हुए हमारे? तो उन रंगों की संख्या है 8। अब प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं इनकी हम आगे चर्चा करेंगे ट्रिक के माध्यम से। पंखा हिलाना, पास्य हो गया आपका प्राथमिक रंग, हास्य हो गया हरा, यहाँ पर आपको नीला मिलेगा, वो सॉरी पीला भी मिलेगा देखने के लिए, ला से लाल और ना से नीला। हरा, लाल, नीला और पीला, ये हमारे 4 होते हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारे द्वितीयक रंग। हमारे द्वितीयक रंग भी 4 ही हैं, नारंगी, बैंगनी, धानी और आसमानी। लाल प्लस पीला मिला के आपका जो रंग बनता है वो है नारंगी। लाल प्लस नीला बनाने से बनता है बैंगनी। हरा प्लस पीला मिलाने से बनता है आपका धानी कलर। अब आसमानी की बात करें तो वो बनता है आपका सफ़ेद प्लस नीला मिलाने से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ठंडा रंग कौन सा है? तो सबसे आपका ठंडा रंग होता है नीला, सबसे गर्म रंग लाल। हमने आपको ट्रिक से बता दिया प्राथमिक रंग के बारे में। प्राथमिक रंग से प्राथमिक रंग मिले तो वो हमारा बनता है द्वितीयक रंग, मतलब कि प्राथमिक प्राथमिक से बनने वाला रंग कहलाता है द्वितीयक रंग। और 4 प्रमुख रंग होने गए आपके, 4 हो गए आपके द्वितीयक रंग। टोटल रंग 8 थे। 8 रंगों को हम आदर्श रंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदर्श रंग। आइए हम देखते हैं समान संगत वाले रंग। तो नीला, आसमानी, हरा, ये हमारा समान रंगत वाला रंग है। लाल, पीला, नीला, पीला, हरा और धानी, ये हो गए समान रंगत वाले। चक्र के अनुसार देखते हैं, लाल, बैंगनी, नीला, ये हमारा समान रंग है। आसमानी, हरा और धानी, ये समान रंग है। तो समान मतलब पास के रंगों को हम समान रंग बोलते हैं। अब विरोधी रंग की बात करें या विपरीत रंग, तो बैंगनी का हो जाएगा धानी, नीले का पीला, आसमानी का होगा नारंगी और हरे का होगा लाल। आमने जो सामने वाले आमने सामने के रंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं विरोधी रंग, मतलब एक दूसरे का विरोध करते हुए। अब आपके सामने कोई खड़ा होगा तो या तो विरोध में होगा और पक्ष में खड़ा होगा वो आपके साथ खड़ा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँच सके और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।